नगरपालिका परिषद हापुड़ के वार्ड नंबर 17 के मोहल्ला फूलगढ़ी के अंतर्गत रेलवे लाइन के पास मलिन बस्ती के सैकड़ों परिवारों को बिजली संकट से जूझना पड़ रहा है। बस्ती की सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने मंगलवार को बिजली कनेक्शन देने की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी दिग्विजय सिंह को ज्ञापन सौंपा और अपना दुखड़ा रोया। ये काम है आगे होना चाहिए, हापुड़ के अंदर इतनी नहीं है, नहीं करना चाहिए। अच्छा गर्मी सर्दी मरा लग रही है, हमें कैसे बुझे खेले याद नहीं पड़े, पेटों के नीचे घूम पर तपा लग रही है। ये समस्या जल्दी से जल्दी हल होनी चाहिए। दो बच्चों की मौत हो गई, एक बच्चा तो कल ही खत्म हुआ है मेहरबानी आपसे यही है। आप इतना काम कर दो, आप ही नाम पाओगे। अगर खाना खिलाओगे पानी पिलाओगे तो उससे ज्यादा मलिन बस्ती के हसीन हैदर, नौशाद, कमरुद्दीन, शखावत, फिरोज मलिक और महिलाएं मंगलवार को पुरानी कलेक्ट्रेट पहुंची। उन्होंने बताया कि मलिन बस्ती के गरीब लोगों ने विद्युत कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं, लेकिन बिजली विभाग ट्रांसफार्मर, खंभे आदि का एस्टीमेट जमा करने को कह रहा है। बस्ती के लोग एस्टीमेट जमा करने में असमर्थ हैं। नागरिकों की मांग है कि उन्हें बिजली कनेक्शन दिया जाए। यहाँ फूलगढ़ी कोटला साजाद में रेलवे क्रॉसिंग के पास एक मलिन बस्ती है जिसमें करीब 100-150 घर हैं। वहाँ पर कनेक्शन, बिजली कनेक्शन अप्लाई कर दिए गए, लेकिन कोई भी कनेक्शन नहीं दिया जा रहा। वहाँ कहा जा रहा है कि पहले खंबे, लीड, ट्रांसफार्म का एस्टीमेट जमा कराएं, उसके बाद में कनेक्शन दिए जाएंगे। ये गरीब लोग हैं, रिक्शा मजदूरी करने वाले लोग हैं, इन पर खाने को नहीं, एस्टीमेट कहाँ जमा करा पाएंगे। आए दिन कोई ना कोई बीमार हो रहा है, कोई मर रहा है, गिर रहा है, तो उसके लिए सब ज्ञापन दिया जाए। शिकायत दर्ज कराइए, एसडीएम साहब को लिखित में दिया है, आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। We'll be right back.